आइए आज जो है अध्ययन के अंदर आप और हम सभी प्रवेश करें और सर्वप्रथम हम भगवान गणपति और रिद्धि सिद्धि के चरणारविंदों में सबसे पहले हम लोग आप लोग प्रणाम करें, भगवान गुरुदेव महाराज से आशीर्वाद लें और आगे अध्ययन के लिए प्रवेश करते हैं। ओ मां गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान संस्मरण नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि श्री जानकी नाथम रैवासधाम संस्थितम स्वामी श्री राघ वाचार्यम गुरुणां गुरवे नमः। गुरुणां गुरवे नमः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। आइए आप और हम सभी आज अपने कर्मकांड के क्रम के अंदर जो रुद्राष्टाध्यायी है उसके अंदर प्रवेश करते हैं। आइए हरी ओम। मैं दिख रहा हूँ ना आप सभी को? दिख रहा है सर। दिख रहा हूँ ना मैं? जी जी गुरु जी। और मेरी स्क्रीन भी दिख रही है आप सभी को? मंत्र भी दिख रहा हूँ जी जी। देखिए सबसे पहले एक तो बता देते हैं कि हर मंत्र का जो है विनियोग होता है, विनियोग में यानी हर मंत्र का ऋषि छंद देवता है ना, हर मंत्र का होता है। तो यहाँ पर भी हमें दिया गया है तो हम अवश्य ध्यान रखेंगे और ऐसा होना भी चाहिए। सबसे पहले विनियोग छोड़ें, बाद में इन मंत्रों का उच्चारण करें, ठीक है? ताकि क्या होता है कि अब कुछ परंपराएं हैं जो चालू रहे, क्योंकि हम लोग जो है प्रारंभ से ही यहीं से प्रारंभ करते हैं, है ना, तो इनका होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे है सबसे पहले ओम मनोज्योतिरिति मंत्रस्य बृहस्पतिर ऋषि बृहति छंदः बृहस्पतिर देवता हृदय न्यासे विनियोगः। ये हृदय न्यास के लिए हमने पहले विनियोग छोड़ा और फिर उसके बाद में यह मंत्र हम बोलेंगे। तो आइए सबसे पहले इस विनियोग का जो मंत्र है इसका पहले उच्चारण करें। ओम मनो ज्योति, ठीक है, मनो ज्योति, मनो ज्योति
री और ती छोटी है, तो रीति मंत्रस्य ओम मनोजूति, जहां पर बस यहां मंत्रों में यही है। सबसे पहले मात्राओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जहां जु दीर्घ है वहां दीर्घ का ही उच्चारण करना है ना। तो मनोजूति, ठीक है, उसके पश्चात रीति मंत्रस्य, म आधा न त्र आधा स और फिर यह, तो मंत्रस्य, उसके पश्चात ब्रे है आधा स पति, तो बृहस्पतिर, क्योंकि री के ऊपर र की मात्रा है, तो बृहस्पतिर ऋषि ही, ठीक है, इसको री का उच्चारण करेंगे, ऋषि और विसर्ग तो ऋषि ही है ना। ओम मानो ज्योति रीति मंत्रस्य बृहस्पतिर ऋषि ही, उसके पश्चात ब्रे है और ती, ती दीर्घ है, तो बृहति छंदः, ठीक है, बृहति छंदः, बृहस्पतिर देवता, ब्रे है आधा स प ती और दे के ऊपर रह की मात्रा, तो बृहस्पतिर देवता, हृदय न्यासे विनियोगः। अच्छा ललित जी, ललित जी को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें यह प्रश्न बहुत विशेष रूप से आ सकते हैं, क्योंकि अब जो इंटरव्यू है वो कठिन होने वाला है जी, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ जो है इस धर्मगुरु की, धर्मगुरु के लिए बहुत ज्यादा भीड़ होने लग गई, तो इन यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि रुद्राष्टाध्याय का प्रारंभ करते हैं तो अंगन्यास करते हैं, तो बोलेंगे हाँ, बोलेंगे हाँ, तो बताइए मनोज्योति रीति जो मंत्र है उस मंत्र का ऋषि कौन है, उसका छंद कौन है, उसके देवता कौन है, अब ये प्रश्न किए जाएंगे जी। तो विशेष रूप से जो प्रमुख प्रमुख मंत्र है उन मंत्रों का ये पूछ सकते हैं, तो कुछ मंत्र जो है उनका ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर मनोज्योतिरिति मंत्रस्य बृहस्पतिर्ऋषि बृहति छंदः बृहस्पतिर्देवता हृदय न्यासे विनियोगः। इतना बोलते हुए हम क्या करेंगे, आचमनी से जल लेंगे और जल छोड़ेंगे, ठीक है, उसके पश्चात हम इस मंत्र को बोलेंगे, ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जब हम मंत्र को बोले तो हरि ही ओम का उच्चारण अवश्य करें हर मंत्र को बोलने से पहले, हरि ही ओम, यह हो गया। उसके पश्चात यहां से देखिए मानो, अच्छा जो स्वर में रुचि लेते हैं थोड़ा बहुत जानते हैं बताइएगा, और वो स्वर के अंदर भी अभ्यास कर सकते हैं। मानो, नो के ऊपर आपको एक खड़ी मात्रा दिख रही है, ठीक है, तो मानो है बीच में स्वर आया, ऊपर से प्रारंभ किया मानो, टू के अंदर नीचे एक मात्रा है जहां पर हम नीचे जाएंगे, मानो ज्योतिर, वापस ज्योत के ऊपर एक बीच की मात्रा है तो हम बीच में आ जाएंगे, मानो ज्योतिर जोखता, यहाँ पर यह है कि पहले बीच का फिर नीचे का, नीचे के बाद में तुरंत बीच का है तो फिर नीचे का है, बीच का है जहां तक ऊपर नीचे यह स्वर आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम बीच में और नीचे ही जाएंगे। जब लगातार ये जो झूक के नीचे ऐसे स्वर है आएंगे, जैसे यहाँ पर सिया और ब्रेह यहाँ पर आएंगे, आगे भी आएंगे, तो वहां पर हम दाएं बाएं स्वर को लेके जाएंगे, बीच में आवाज आ रही है। हाँ जी, युगल सरकार की आवाज आ रही है बहुत बीच में, समझ नहीं आ रहा। युगल सरकार जी, युगल सरकार जी, थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, म्यूट और... म्यूट कर दो ना। हाँ म्यूट कर लीजिए सर, आप सभी को म्यूट कर दो। अब हमारे पास क्या वो शो नहीं हो रहा है, आप लोग देख लीजिए स्वयं, कोई बात नहीं, आप लोग देखिए है ना। तो जो स्वर में रुचि ले रहे हैं विशेष रूप से पूछ सकते हैं, जो नहीं समझ में आए, क्योंकि कहा गया है बिना स्वर के जो मंत्र है
उसका उसके उच्चारण का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो हम सभी वैदिक बने, और वैदिक बनने का कारण यही है कि चलो हमने गुरुकुल में तो अध्ययन नहीं कर पाए, लेकिन अब अध्ययन का अवसर मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस अवसर को जो है इस अवसर का लाभ लें पूरा। तो एक तो थोड़ा सा बहुत ध्यान रखिए आप लोग कक्षाओं में, बड़े आप म्यूट होकर के बैठिए, जो चीज नहीं समझ में आए वो आप लोग पूछिए, हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग बार बार पूछते हैं। तो और स्वर के विषय में अगर जो नहीं समझ में आए तो जरूर पूछिएगा, प्रतिदिन बताएंगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों के अवश्य जो है समझ में आएगा। सबसे पहला मेरा हाथ दिख रहा है आप सभी को, कोई भी एक व्यक्ति बोले, ये जी दिख रहा है सर। तो देखिए यह हाथ की स्थिति होनी चाहिए, अंगुलियां बिल्कुल सीधी हो, अंगूठा जो है वो अलग होना चाहिए, अंगूठा इन अंगुलियों से स्पर्श ना करता हुआ हो। कई बार क्या ऐसे प्रारंभ में हमारा जो हाथ है वो ऐसे जाता है, तो ये ऐसे ना जाए, ये अंगूठा जो है अलग होना चाहिए, और हाथ का जो है इस प्रकार से अंगुलियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और कोहनी के नीचे जो है एक इस प्रकार से मुष्टिका बना करके कोहनी के नीचे यानी स्वर के नीचे हम आसन लगाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लगाते हैं। अब किसका आवाज आ रहा है ये? हाँ, आवाज का ध्यान रखिए थोड़ा, प्लीज आवाज का ध्यान रखिए, पीछे से आवाज आपकी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए क्योंकि सब अध्ययन के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यह स्वर के नीचे आपको क्या लगाना है, आसन लगाना है, और फिर यह आपके स्वर की जो है यह स्थिति होनी चाहिए। फिर उसके पश्चात हरि हि ओम, सबसे पहले इसका अभ्यास होना चाहिए, है के अंदर ऊपर रहेगा, री के अंदर बीच में आएगा, और ही के अंदर यह दोनों अंगुलियां अंदर हो जाएगी और ये दोनों अंगुलियां बाहर हो जाएगी, ठीक है। हरि हि ओ और म के अंदर मुष्टिका बन जाएगी, ठीक है। हरि हि ओम, हरि हि ओम म, जिसे नहीं समझ में आया अभ्यास करिए, प्रतिदिन एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांचवें दिन तो अवश्य समझ में आएगा, करते करते अवश्य समझ में आएगा। हरि हि ओम म, ठीक है। उसके पश्चात मनो, मैं से यहां से इसलिए प्रारंभ किए हैं क्योंकि नो के ऊपर बीच का स्वर है। अब इस तरह से बताएंगे तो उच्चारण भी आपका सटीक होगा और स्वर के अंदर भी आप लोग स्वर भी पकड़ पाओगे। मनो, मनो के अंदर हम आ गए बीच में, ठीक है। मनो जू में चले गए नीचे, जू में चले गए नीचे, जू में नीचे इसलिए गए क्योंकि इसके आगे जो स्वर है वो जू के ऊपर कहां पे आ रहा है, बीच में ही आ रहा है ना। यह जो जू है दीर्घ वाला, इसमें नीचे स्वर है फिर आगे बीच में है, तो हम इस स्वर में नीचे ही जाएंगे। तो मानो जू तिर, और यहां जू दीर्घ है, ती और आगे आधा जय फिर पूरा जय, और उसके ऊपर र की मात्रा भी है और ऊ की मात्रा भी लगी है, तो जू तिर जू है ना, मानो जू तिर जू, तो स्वर कैसे लगेगा, मानो जू तिर जू है ना, मनो जू तिर जू, ध्यान रखिएगा, मनो में बीच में आना है, जू में नीचे जाना है, ती में ऊपर और जू में वापस बीच में। तो यह स्वर हुआ हरि ओम, मनो जू तिर जू, ठीक है। उसके पश्चात इसका हम ख में उच्चारण करेंगे, इसको बोलेंगे ख, ठीक है। मनो जू तिर जू, इसको ख का उच्चारण करेंगे, ख और फिर ता, ख ता, ता में हम जाएंगे नीचे, ता में भी नीचे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ता के अंदर जो नीचे का स्वर लगा हुआ है, फिर आगे मा जिय, आगे का जो स्वर है वह बीच का ही है, तो हम यहाँ पर ता में नीचे ही जाएंगे। मानो जू तिर जू ख ता, ठीक है, ता में नीचे चले गए। तो फिर आगे है मा जिय, मा में ऊपर रहेंगे और यह आधा जय और यह है और फिर आधा स और फिर यह है, तो मा जियसिय, यहाँ उच्चारण होना, कई लोग ऐसे बोलते हैं मा जसिय, अब यहाँ जय नहीं है, यहाँ आधा जय है, उसके पश्चात यह भी है, तो शुद्ध उच्चारण होगा
मा जिया और फिर आधा स और ये तो सिया है ना, मा जिया सिया। आवाज आ रही है ना मेरी? जी प्रभु जी, जी।, जी। और समझ में भी आ रहा है आप सभी को? जी बिल्कुल जी। चलिए तो मा जिया और आधा स और ये तो मा जिया और सिया है ना, मा जिया सिया। तो यहां पर हम क्या किए, मा जिया या में आ गए हम बीच में है ना, मा जिया सिया। ठीक है, जो स्वर में रुचि नहीं लेते वो उच्चारण में ध्यान रखिए, ठीक है, और जो स्वर में रुचि ले रहे हैं वो स्वर का भी अभ्यास करते रहिए। मानो ज्योतिर्जोखता मा जिया सिया। अब सिया में हम जो है दाएं इसलिए गए हैं, सिया में हम दाएं बाएं इसलिए जाएंगे क्योंकि आगे जो है पे स्वर है वह भी नीचे का ही स्वर है, तो ऐसे में हम दाएं बाएं स्वर को लेके जाएंगे। तो सिया में हम जाएंगे इस तरफ, फिर ब्रे में हम जाएंगे इस तरफ, और ह में चले जाएंगे हम नीचे। ठीक है, तो मा जिया सिया ब्रे हस। ठीक है, मा जिया सिया ब्रे हस है और आधा स है तो हस। फिर पातिर प ती और फिर ज के ऊपर र की मात्रा है तो पातिर जग्ञ। ठीक है, इसको ज का उच्चारण करेंगे और फिर आगे ज्ञ है ना, ब्रे हस पातिर जग्ञ। अब जग्ञ में भी हम दाएं बाएं ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि बीच का स्वर नहीं आ रहा, यहां पर बीच में लगातार यह वाले स्वर है, तो हम ब्रे हस पातिर ज में चले गए दाएं। ठीक है, ज ज्ञ में आ गए हम बाएं और मी में चले गए नीचे। ठीक है, मा जिय ब्रे हस पातिर जग्ञ मी मन, मी छोटी है फिर म आधा न तो मी मन है ना, मी में नीचे से ऊपर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आगे त के ऊपर बीच का स्वर है ना, तो मी मन तानो त के अंदर बीच में और नो के अंदर नीचे क्योंकि आगे त्व री के ऊपर बीच का स्वर आएगा। ठीक है, तो मी मन तानो त्वरिष्टन आधा त है वह है, री छोटी है फिर आधा श डबल ट और ऊपर बिंदी तो त्वरिष्टन है ना, त्वरिष्टन है ना, त्वरिष्टन त्वरिष्टन। अब यहां तक देखते हैं हम एक बार है ना, ओम हरि ओम मानो ज्योतिर्जोखता मा जस्य बृहस्पतिर् जग्न्यामी मन तानो त्वरिष्टन जग्न्यगु। अब यहां पर देखिए त्वरिष्टन तक तो हम यहां आ गए, अब यहां डबल ज है और ज्ञ है ना, ज्ञ है ना जग्ञ, और जो यह वाला जो चिन्ह है ये देखिए इस तरह से बना हुआ है, उसके अंदर अंदर बीच की बिंदी भी है, इसको हम बोलेंगे गु का चिन्ह करेंगे है ना, जग्ञ गु। ठीक है, जग्ञ और गु। अब ज में हम दाएं इसलिए गए हैं क्योंकि आगे भी वही स्वर लगा हुआ है, आगे के शब्दों में वही नीचे का स्वर आ रहा है तो हम दाएं बाएं ही जाएंगे, तो जग्ञ ज में इधर ज्ञ में इधर आ गए और साथ में गु का जो चिन्ह आएगा उसके उसके साथ में हम जैसे ही गु का उच्चारण करेंगे तो यह वाली अंगुली जो है इसको निकालेंगे। ठीक है, तर्जनी जो अंगुली है इसको गु के अंदर इसका करेंगे है ना, इसका स्वर देंगे जग्ञ गु। ठीक है, ऐसे जग्ञ गु। फिर स मी स यहीं रखेंगे, मी में नीचे जाएंगे क्योंकि मी में स्वर लगा हुआ है तो मी के अंदर हम चले गए नीचे, नीचे इसलिए क्योंकि आगे द के ऊपर बीच का स्वर आएगा तो स मी मन द धातु। अब वहां पर यहीं रहेंगे द धातु। अब ये आधा मंत्र हो गया तो मैं यहां तक मैं एक बार बोल देता हूं, ओम हरि ओम मानो ज्योतिर्जोखता मा जस्य बृहस्पतिर्
जग्न्यामी मन तनो त्वरिष्टन जग्न्यगु समीमन दधातु। ठीक है, दधातु। मेरा समझ में आ रहा है सभी को आपको? जी गुरु जी, बहुत बढ़िया। फिर आगे है आधा व और पूरा व और ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये हो गया वी, आधा श और फिर वे, आधा श और फिर वे, तो इसका उच्चारण करेंगे विश्वे, विश्वे, है ना, विश्वे, तो विश्वे। अब वहां ऊपर से ही आएंगे क्योंकि वे के ऊपर बीच का स्वर है, तो विश्वे। फिर दे वा और स, तो देवास, है ना, दे में जाएंगे नीचे, वा के अंदर ऊपर और स में आ जाएंगे हम बीच में, तो विश्वे देवास। अब यहां पर ई की, ई के पहले ये एक हंगाकार है, है ना, ये जो डै का, डै के आकार में लिखा हुआ है, तो यहां पर स, तो इस प्रकार से जो है ए का उच्चारण होना चाहिए, विश्वे देवास इहमा। ठीक है, विश्वे देवास ई, ई में जाएंगे नीचे, तो ई है और मा में आ जाएंगे बीच में, इहमा दयन द य आधा न, तो दयन ता में नीचे, ता मोम प्रतिष्ठ, मो के ऊपर जो है चंद्र बिंदु है, साथ में यहाँ प्लुत का जो है चिन्ह दिया गया है ना, ऋष्व दीर्घ और प्लुत का चिन्ह है, तो यहाँ पर तीन मात्रा का, जब तीन तीन मात्रा तीन दिया गया है, यानी जब तक हम तीन अक्षर का उच्चारण करते हैं उतना दीर्घ हमें इस मो को बोलना है। ठीक है, तो दयंता मो, और एक अंगुली निकालते हुए हम बोलेंगे, है ना, स्वर के अंदर, दयंता मो प्रतिष्ठ, प्रति आधा श और डबल ठ, तो प्रतिष्ठ। ठीक है, अब यहां तक हम बोलते हैं ओम हरि ओम मनो ज्योतिर्जुखता माज्यस्य बृहस्पतिर् जग्न्यामी मन तनो त्वरिष्टं जग्न्यग्गु समीमं दधातु। विश्वे देवास इहमा दयन्ता मों प्रतिष्ठ। ठीक है, तो यह हो गया हमारा हृदय का, हम बोलेंगे ओम हृदयाय नमः, तो हृदय का स्पर्श करते हुए हम बोलेंगे ओम हृदयाय नमः, पांचों अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करना है, यानी इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिए कि हमें यहां पर नहीं समझ में आया, बोलिए, नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है, क्यों सक्षम, समझ में आ रहा है? जी गुरु जी, गुरु जी एक बार बोल के दिखाऊं? हाँ बोल के दिखाइए। हरि हि ओम मनो ज्योतिर्जुखता माज्यस्य बृहस्पतिर् जग्न्यामि मन्तनो त्वरिष्टं जग्न्यग्गु समीमं दधातु। विश्वे देवास इह मा दयन्तामो प्रतिष्ठ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सक्षम, बहुत बढ़िया पकड़ है तुम्हारी, बहुत अच्छा बोल रहे हो। चलो आगे वाला मंत्र लेते हैं। ठीक है, तो यह एक मंत्र हो गया, दूसरा मंत्र देखिए यहाँ पर ओम अबोध्यग्नि मंत्र आएगा, तो ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ओम अबोध्यग्नि, द में ध है, फिर यह भी जुड़ा हुआ है और ग और न भी है इसमें, देखिए, और ई की मात्रा लगी हुई है, तो ओम
अबोध्यगनि, ठीक है। फिर आ गया रीति, मंत्रस्य, ठीक है, री छोटी है, ती छोटी है। अबोध्यगनि रीति मंत्रस्य बुध गविष्ठिरा, है ना, बुध ग वी छोटी आध श और ठी और रा, है ना, बुध गविष्ठिरा ऋषि ही त्रिष्टुप, त्रि आध श टू और उप है ना, त्रिष्टुप छंद अग्निर्देवता, है ना, इसके बुध गविष्ठिरा ऋषि है इस मंत्र के, इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है और अग्निर्देवता, अग्निर्देवता और शिरोन्यासे विनियोग, यह इस मंत्र का विनियोग हुआ। तो यह बोलते हुए हम विनियोग छोड़ेंगे। ओम अबोध्यगनि रीति मंत्रस्य बुध गविष्ठिरा ऋषि त्रिष्टुप छंदः अग्निर्देवता शिरोन्यासे विनियोगः, ठीक है, हमने ये विनियोग छोड़ा। उसके पश्चात आइए इस मंत्र में प्रवेश करें। ओम हरि ओम मा आबो, हाँ आबो ए ऊपर रहेगा, बो में हम आ जाएंगे बीच में, आबो ध्यगनि आधा आधा द फिर आधा ध ये आधा ग और नी और विसर्ग, है ना, आबो ध्यगनि ही, ध्या में हम इस तरफ रहेंगे, अग्नि में इधर आएंगे और इधर आते हुए हमें अग्नि ही में यह चिन्ह निकालेंगे, ध्यगनि ही यह है ना विसर्ग है और ये डबल जो ऊपर केवल ऊपर के विसर्ग को ऊपर की बिंदु को इस प्रकार चिन्हित किया गया है तो यह वाला स्वर निकलेगा, है ना, अबोध्यगनि ही, ठीक है। उसके पश्चात समीधा अबोध्यगनि ही स मी और धा तो समीधा, ठीक है, अबोध्यगनि ही। अब यहाँ पर समीधा में भी दाएं बाएं ही जाएगा, वापस जाएगा समी और धा में जाएगा, नीचे धा में नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि ज ना के ऊपर बीच का स्वर आ रहा है, ठीक है, तो समी धा फिर ज ना नाम ज ना ना और आधा में ज ना नाम ज ऊपर रहेगा ना में बीच में और फिर ना के अंदर हम चले जाएंगे नीचे, ज ना नाम अबोध्यगनि समीधा जना नाम। उसके पश्चात प्र है, ती छोटी है तो प्रति, प्र में ऊपर रहोगे ती में बीच में आ जाओगे, प्रति धेनु मीवा, धे में नीचे नु के अंदर धेनु, नु में ऊपर धेनु मी में आ जाओगे बीच में, धेनु मी का, ठीक है, नीचे नु में ऊपर मी के अंदर आ जाओगे बीच में तो धेनु मीवा, फिर यति धेनु मीवा, या में चले जाओगे दाएं क्योंकि दाएं बाएं का स्वर है अब लगातार, या में दाएं ती में इस तरफ मुंह में नीचे, यति मुखा सम, मुंह में नीचे खा में ऊपर स के अंदर बीच में और मामी मुष्टिका बंध जाएगी, है ना, मुखा सम। अब यहां तक देखिएगा, जो उच्चारण करे वो उच्चारण पे ध्यान दे और जो स्वर के अंदर रुचि ले वो स्वर में भी ध्यान दे। हरि ओम अबोध्यगनि समीधा जनानाम प्रतिधेनु मीवा यति मुखा सम्मा। उसके पश्चात ज है आधा व और पूरा व, है ना, तो जव्वा इसका उच्चारण करें कमल जी, जव्वा, ज में जाएंगे हम नीचे है और वा में ऊपर, है ना, जव्वा, ठीक है, ज है और वा में ऊपर, जव्वा, फिर ईवप, ई व आधा प तो ईवप, फिर प्र व और या, है ना, प्र व या, जव्वा ईवप प्र व या,
यहाँ दाएं बाएं इसलिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर दाएं बाएं ही स्वर है। वह के अंदर भी दाएं बाएं है, फिर यह भी वह के अंदर, यहाँ पर भी देखो दाएं बाएं का यानी नीचे का स्वर ही लगा हुआ है और मुंह में भी नीचे का ही स्वर लगा हुआ है। ठीक है, तो जब व प्र व या, ठीक है, मुज्जिहाना, यहाँ मुंह में जो है नीचे जाएगा क्योंकि बीच में हा के अंदर हम बीच में लाएंगे स्वर को। ठीक है, तो मुज्जी मुंह आधा जय और पूरा जय और फिर ई की मात्रा, तो मुज्जी हा ना और विसर्ग, तो हा ना हा। अब यहाँ जो विसर्ग है इसमें नीचे वाले विसर्ग के ऊपर जो है अंग वो चिन्ह अंकित है, तो मुज्जी हा ना हा, ना इस तरफ रहेगा क्योंकि आगे भी वही स्वर है और यहाँ पर हा आ गया, तो यह जो कनिष्ठिका जो अंगुली है यह चिन्ह में निकलेगी, यह स्वर में निकलेगी, मुज्जी हा ना हा, दिख रहा है ना, मुज्जी हा ना हा। फिर प्र में जाएंगे इस तरफ, प्र में चले जाएंगे वापस बाएं, है ना, प्र भा, भा में चले जाओगे नीचे, प्र भा न व, प्र भा न में ऊपर और व के अंदर बीच में आते हुए, और जो यह भाग का चिन्ह है यहाँ विसर्ग के साथ में दोनों अंगुलियां निकलेगी, यह भी और यह भी दोनों अंगुलियां निकलेगी, प्रभा न व ह, ठीक है, इस प्रकार से प्रभा न व ह, प्र बाएं, भा नीचे, न ऊपर, व बीच में और यह विसर्ग, प्रभा न व ह। फिर है सिस्र, सी आधा स और र, र की यह र है ना, सी स और र है ना, सिस्र, तो यहाँ बीच में ही रहेगा स्वर तो, और उच्चारण रहेगा सिस्र, तेना तेना कमच्छ, सिस्र तेना कमच्छ, तो सिस्र ते के अंदर आप चले जाओगे दाएं, सिस्र ते ना, ना के अंदर बाएं, क के अंदर नीचे, म के अंदर ऊपर, तो छ में आ जाओगे आप बीच में जहां बीच का स्वर लगा हुआ है ना, और उच्चारण होगा सिस्र ते ना कमच्छ, सिस्र ते ना कमच्छ। अब इसका यहां से एक बार उच्चारण सुनिएगा, ओम हरि ओम अबोध्यगनी समीधा जनानाम प्रतिधेनुमीवा याति मुखा सम्मा जव्वा इव प्रवया मुज्जिहानाः प्रभा नवः सिस्रते ना कामच्छ ओम सिरसे स्वाहा, है ना, इसमें सिरसे स्वाहा दाहिनी हाथ की अंगुलियों से मस्तक का स्पर्श करें, तो मस्तक का इस प्रकार से स्पर्श करेंगे, ओम सिरसे स्वाहा, ठीक है, ओम सिरसे स्वाहा, दो मंत्र हुए। हाँ, इस मंत्र में किसी को कुछ पूछना है जी? हाँ जी बताइए। अरे जो प्रभा नवा के बाद जो ये चिन्ह है जी, ये किसका चिन्ह है सर? प्रभा नवह, है ना, प्रभा नवह, यह जो भाग का चिन्ह है यह विसर्ग का ही चिन्ह है, लेकिन इसके अंदर बीच में एक लकीर है जिसे अपन एक तरह से भाग का चिन्ह हो गया ये, ठीक है जी। प्रभा नवह, प्रभा न व और है, स्वर के अंदर यह इस प्रकार से होगा, प्रभा न व, है ना, विसर्ग का उच्चारण होगा और स्वर के अंदर यह ज्ञात रहेगा, ये भाग का चिन्ह जहां आए तो दोनों अंगुलियां जो है, दोनों अंगुलियां बीच के अंदर हो जाएगी और यह साइड की दोनों अंगुलियां निकल जाएगी, प्रभा न व, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से निकल जाएगी। और बोलिए सक्षम, आप बताइए एक बार पुनः उच्चारण करिए जी गुरु जी।
ओम अबोध्यग्नि ही समीदाच ना जनाना प्रतिदेनु मेवायति मुखसम जव्वा इव प्रावय मुज्जिहाना प्रावया मुज्जिहाना है ना मुज्जिहाना हा प्रभावना गुरुजी ये बताइए प्रभानवः सिसरे सिसते ना नहीं है यहाँ पर रही है केवल सिसरते ना सिसरते ना कमच्छ कमच्छ बहुत सुंदर है ना। यह मंत्र होकर के ओम सिर से स्वाहा हम सिर का स्पर्श करेंगे। ठीक है, यह दो मंत्र हुए। एक बार हम पुनः इन मंत्रों का देखिए उच्चारण देख लेते हैं। ठीक है, ओम मनो ज्योतिरिति मंत्रस्य बृहस्पतिर्षिः बृहति छन्दः बृहस्पतिर्देवता हृदय न्यासे विनियोगः। उसके पश्चात हरिः ओम मानो ज्योतिर्जुखता माज्यस्य बृहस्पतिर् जग्न्यामि मन तानो त्वारिष्टन जग्न्यग्गो समीमन दधातु विश्वे देवा स इह मा दयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम अबोध्यगनीरिति मंत्रस्य बुधगविष्ठिरा ऋषिः त्रिष्टुप् छन्दः अगनिर्देवता शिरोन्यासे विनियोगः। ठीक है, के पश्चात ओम हरिः ओम अबोध्यगनीः समीधा जनानां प्रतिधेनुमीवा यति मुखा सम्मा जव्वा इव प्रवया मुज्जिहानाः प्रभानवः सिस्रतेना कामच्छ। ओम सिरसे स्वाहा। ठीक है, इस प्रकार से यह दो मंत्र हुए। मनोज्योतिरति वाला को दोबारा दोहराऊं? ठीक है, बहुत सुंदर, लीजिए। मनोज्योतिर्जुखता माज्यस्य बृहस्पतिर् जग्न्यामि मन तानो त्वारिष्टन् जग्न्यग्गो समीमन् दधातु विश्वे देवा स इह मा दयन्तामो प्रतिष्ठा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो है सभी का दो मंत्र हुए हैं, स्वर सहित हुए हैं। तो जो स्वर मंत्र रुचि लेते हैं अवश्य जो है इस प्रकार का अभ्यास करिए प्रतिदिन। दोनों मंत्रों का उच्चारण मैंने आप सभी को भेज दिया है। और मैं सबसे बस यही कहना चाहूंगा कि नियम प्रतिदिन बना करके रखें। हाँ जी,
बताइए। हेलो, ये यज्ञ भी बोल सकते हैं ना इसमें, मनोज उत्तर में आ रहा है यज्ञ ना का उच्चारण होना चाहिए। देखिए यज्ञ है ना, यज्ञ यह शुद्ध उच्चारण है यज्ञ। तो जो अल्पज्ञ है नहीं जानते वो बोलते हैं, लेकिन अपन लोग जानने के लिए बैठे हैं तो यज्ञ शुद्ध उच्चारण करिए। ओम मनो जो फिर जो कहता मा जसिये बृहस्पतिर यज्ञ घूम सामी मन है यज्ञ घूम यज्ञ मी। एक बार स्क्रीन पे लाओ महाराज जी। अब वो तो भाई जी नौ सौ जा रहे हैं, एक मिनट रुको, दो मिनट फ्री होगा बस। कमल जी कमल जी प्राण काट ले। साथ में कौन जा रहे तो ना ना यार, साथ में कोई मत करो, साथ में मत करो, थे करो ना चला दे मन में सिक्कर जाना भागवत में। मनो ज्योतिर जुखदा मा जसिया बृहस्पतिर यज्ञ मीमन तनो त्वरिष्टन, फिर यहाँ पर है यज्ञ गु समीमन दधातु। ठीक है, एक बार दोहराओ महाराज जी। हाँ, ओम मनो ज्योतिर जुखदा मा जसिये बृहस्पतिर यज्ञ मीमन तनो त्वरिष्टं यज्ञ घुं समीमं दधातु विश्वे देवास इयमादयन्ताम् प्रतिष्ठ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बढ़िया है उच्चारण, और इसी प्रकार से करते रहिए है ना, और प्रतिदिन का नियम रखिए। सवेरे का समय रहेगा, मैं कहता हूँ कि मैं अगर मंत्र ही दे रहा हूँ ना तो ध्यान से आप उस समय सुनोगे तो मैं कहता हूँ कि सुनते सुनते ही आधा तो वही तैयार हो जाएगा आपका, है ना, आधा मंत्र तो वही आपका तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिदिन का नियम रखिए और प्रतिदिन अपना है जो है इस क्रम से चलिए, और कक्षाएं जो है ये सवेरे का समय भी है जो हम भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और आप लोग भी परेशान